हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ लिकोरिया के बारे में। जी हां, आज हम बात करेंगे कि महिलाओं को जो सफ़ेद पाले जाने की समस्या होती है उसमें कौन सी मेडिसिन यूज करनी चाहिए, मतलब कौन सी दवाएं उन्हें लेनी चाहिए, साथ ही कौन से और बचाव उन्हें करने चाहिए जिसकी वजह से जो लिकोरिया होती है फिर सफ़ेद पाले जाने की समस्या होती है उसमें उनको राहत मिल सके। तो इसके पहले की जो वीडियो है लिकोरिया से संबंधित, उसमें हम बात कर चुके हैं कि लिकोरिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, लिकोरिया किस वजह से होती है, मतलब उसके क्या कारण होते हैं, साथ ही उसके क्या लक्षण होते हैं। तो इन सब की अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है अभी तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको ये तो पता चल जाए कि अगर लिकोरिया की समस्या किसी महिला को हो रही है तो किस वजह से हो रही है और उसमें उसको क्या लक्षण देखेंगे, क्योंकि जो भी कारण होता है उसी के आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, साथ ही हम लक्षण को भी सामने रखते हैं कि कैसे लक्षण उसमें अपीयर हो रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं लिकोरिया की, तो लिकोरिया एक तरह का संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, जो किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस या फिर किसी भी तरह के फंगस से हो जाता है, या फिर इस बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे पेलविक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इनकी वजह से भी लिकोरिया की समस्या हो जाती है। या फिर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल अगर बढ़ जाता है शरीर में, तो इसकी वजह से भी लिकोरिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। या फिर अगर जो वजाइना है वहाँ का पीएच इम्बैलेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से भी लिकोरिया के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है ये क्या है, ये एक तरह का इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो अगर किसी भी फीमेल को लिकोरिया की समस्या है तो सबसे पहले हम उसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले हम उसको एंटीबायोटिक मेडिसिन देंगे। क्या देंगे? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है इसमें हम कौन सी मेडिसिन रख सकते हैं? इसमें हम दे सकते हैं टैबलेट मेट्रोनिडाजोल। अभी जो मेट्रोनिडाजोल टैबलेट है ये क्या है, ये एंटीबायोटिक भी है और इसके साथ ये एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीबैक्टीरियल भी है, ये दोनों तरह से काम करता है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है और एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। तो मेट्रोनिडाजोल हम कितना देंगे, 400 mg ट्विस फॉर 5 डे। मतलब कि जो हम मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स देंगे 400 mg, ये हम 5 दिन तक देंगे, दिन में 2 बार, ये हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, नेक्स्ट हम एंटी फंगल मेडिसिन देंगे। एंटी फंगल की यहाँ जरूरत क्यों है, क्योंकि हमने जब इसके कारण पढ़ा था लिकोरिया की, जब हमने कारण पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो लिकोरिया होती है ये ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, मतलब बहुत से इसके कारण हैं। तो जो हम मेडिसिन चला रहे हैं उसमें हम एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल सभी रखते हैं ताकि इसको ट्रीट किया जा सके। तो अगर हम एंटी फंगल मेडिसिन दे रहे हैं तो इसमें हम कौन सी देंगे, तो इसमें हम देखते हैं टैबलेट इंट्राकोनोजोल। ये जो मेडिसिन होती है ये क्या है, ये एंटी फंगल मेडिसिन है, इसको भी हम इसी तरह देंगे ट्विस्ट फॉर 5 डे, मतलब कि 5 दिन तक देंगे, दिन में 2 बार देंगे। इसके साथ थर्ड है टैबलेट देंगे क्लोट्रिमाजोल। अब ये जो क्लोट्रिमाजोल दिया जा रहा है ये क्या है, ये वजाइनल टैबलेट होता है, ये वजाइनल टैबलेट होता है जिसको हम देते हैं फीमेल्स को कि वो अपने वजाइना में उसको रख के रात में सोती है, रात में सोते समय जब लास्ट टाइम वो बेड पे जाती है तो उस दौरान इस टैबलेट को अपने वजाइना में रख लेती है और उसके बाद वो सो जाती है। ये क्या करता है, ये जो क्लोट्रिमाजोल होता है ये जो ईस्ट इन्फेक्शन होता है उसमें लाभदायक होता है, जो ईस्ट इन्फेक्शन होता है, ईस्ट इन्फेक्शन होता है उसमें ये काम करता है। तो इस तरह से हम फीमेल को मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा हम उसको ऑइंटमेंट के तौर पे जो क्लोट्रिमाजोल है इसका क्रीम भी आती है ये दे सकते हैं, या फिर जो मेट्रोनिडाजोल है इसकी भी क्रीम आती है उसको हम दे सकते हैं ताकि वो वजाइना में लगा सके। तो अंदर से क्या होगा कि इंटरनल तरीके से जो टैबलेट्स हैं वो वर्क करेंगी और एक्सटर्नल तरीके से जो इन्फेक्शन है उसको जो ऑइंटमेंट होगा वो ठीक करेगा। तो इस तरह से हम फीमेल्स को ये मेडिकेशन चलाते हैं। इसके साथ ही उसको हम नेक्स्ट फोर्थ क्या है, फोर्थ हम सप्लीमेंट्री के रूप में कैल्शियम दे सकते हैं।
कैल्शियम दे सकते हैं, फोलिक एसिड दे सकते हैं, ये मेडिसिन भी हम फीमेल्स को चला सकते हैं। इसके अलावा और हमको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से जो महिला लिकोरिया से ग्रसित है उसको जल्द से जल्द आराम मिल जाए। अब इसको हमको कुछ ऐसे सजेशन देने चाहिए जिसको फॉलो करके वो अपने हेल्थ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकती है। कैसे? पहली बात तो हम एक मेडिकेशन दे रहे हैं तो, लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ कुछ प्रिकॉशन भी हैं जो लेने पड़ते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जो भी फीमेल होगी उसको बताना है अवॉइड हैवी फ्राइड स्पाइसी ऑयली एंड श्योर फूड्स, मतलब कि जो भी ज़्यादा तले हुए भुने हुए या फिर जो ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खट्टे पदार्थ हैं उनको वो ना खाए, क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ ये चीज़ें अगर वो करेगी तो बहुत जल्दी उसके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। सिर्फ दवा से ही नहीं, दवा के साथ साथ हमें कुछ बचाव भी करने चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए उसको मना करना है कि बाहर की मार्केट की जो भी चीज़ें हैं उसको वो नहीं खाएगी, ज़्यादा मिर्च मसाला तला भुना नहीं खाएगी। नेक्स्ट 6 क्या है, अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग टेकिंग मेडिसिन, मतलब कि जब वो दवा ले रही है उस दौरान वो किसी भी तरह का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं रखेगी। ये चीज़ भी उसको विशेष करके बतानी है कि जब उसका मेडिकेशन स्टार्ट हो जा रहा है तो जब तक मेडिसिन चल रही है तब तक उसको अपने लाइफ पार्टनर से दूरी बना के रखनी है, किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है। नेक्स्ट 7 है, यूज कॉटन एंड लूज क्लॉथ, मतलब कि जो भी फीमेल है उसको उनको बताना है कि वो कैसे कपड़े पहनेगी, कॉटन के और लूज पहनेगी, मतलब ढीले कपड़े पहनेगी। जो भी वो अंडरगार्मेंट्स यूज कर रही है वो कैसे होने चाहिए, कॉटन के होने चाहिए, साथ ही ढीले होने चाहिए, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है, जैसे वो बहुत टाइट कपड़े पहनेगी तो फ्रिक्शन होगा, वहाँ पर रगड़ होगी, इसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिकोरिया उसको हो रही है, उसको इन्फेक्शन है, मेडिसिन हम दे रहे हैं, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ उसको ये भी करना है कि वो जो भी कपड़े पहने वो कैसे होने चाहिए, ढीले होने चाहिए, साथ ही कॉटन के होने चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी जेनिटल एरिया होगा वो एक तरह से सूखा हुआ रहेगा, ड्राई रहेगा, और वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा गीलापन होता है इन्फेक्शन भी वहाँ जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट इसमें 8th पॉइंट है, टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, मतलब कि जो फीमेल है उसको बताना है कि वो प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स है, मतलब कि अधिक मात्रा में पानी पिए, थोड़ा थोड़ा पानी वो दिन भर में कई बार पिए जिससे उसके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। इसके अलावा वो फ्रूट जूस भी ले सकती है, सॉफ्ट वाटर भी ले सकती है, तो ये चीज़ें उसको करनी है। 9th पॉइंट है, इनटेक फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल, मतलब कि जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं और फ्रेश फ्रूट होते हैं, ताज़ा फल होते हैं, उसको उन्हें लेना चाहिए। जो भी फीमेल लिकोरिया का ट्रीटमेंट ले रही है उसकी बात कर रहे हैं तो ये उसको लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें 10th पॉइंट है, डोंट टेक टी कॉफी और अल्कोहल, मतलब कि जो भी फीमेल है उसको टी कॉफी या फिर अल्कोहल नहीं लेना है। नेक्स्ट इसमें 11th पॉइंट है, यूज एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, एंटीबायोटिक सॉल्यूशन फॉर क्लीन जेनिटल एरिया, मतलब कि जब भी वो जेनिटल एरिया को धोएगी उस दौरान उसको एंटीबायोटिक सॉल्यूशन जैसे बेटाडीन होता है उसका यूज करना चाहिए, जिससे वहाँ पे जो भी इन्फेक्शन है वो ग्रो ना कर पाए। इसके अलावा अगर जो फीमेल है वो अपने डाइट को अच्छा रखती है, जैसे अपनी डाइट में वो डेली स्प्राउट यूज करती है, कर्ड यूज करती है, इसके अलावा सैलड यूज करती है, तो इसकी वजह से उसको क्या होगा कि प्रोविटामिन्स मिलेंगे और फिर जल्दी से ही उसको लिकोरिया में रिलीफ मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ ही जो मेडिसिन मैंने बताई या फिर जो भी प्रिकॉशन मैंने बताए वो सारे अगर वो लेती है तो बहुत ही जल्दी उसको इसमें आराम मिलेगा। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे आप
पॉइंट्स बताया, अगर इसके अनुसार आप किसी भी फीमेल का ट्रीटमेंट करते हैं या फिर जो फीमेल है वो खुद अपना ट्रीटमेंट करती है तो उसको काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर फीमेल को इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो फिर उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वैसे मैं अपने हर एक वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी मेडिसिन है आप उसके बारे में जानते जरूर है, मैं बताती भी हूँ, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह के अगर आप ना लें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे जो भी मेडिसिन मैंने यहाँ पे बताया उसके कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हाँ, कभी कभी कहते हैं कि इन मेडिसिन की वजह से हल्का फुल्का सर दर्द हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, पेट फूला फूला महसूस हो सकता है, तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो फिर आप नजदीकी किसी भी डॉक्टर से मिलकर अपनी सलाह ले सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर लिकोरिया है तो उस दौरान हमको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और किस तरह से हम खुद को उसे बचा सकते हैं, जल्दी से खुद को ठीक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।